सब दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिद्धांत इंडिया। और अभी बज रहे हैं सुबह के नहीं, दोपहर के कह लो, चाहे 1:40 हो रहा है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि बाहर यूरोप में कैसा हाल है, बाहर कैसा है, यहाँ पे कैसा चल रहा है सब कुछ लॉकडाउन में। तो आज वैसे तो कोई जाने का पॉइंट बनता नहीं है बाहर। मैं पिछले 1.5 महीने में एक बार ही गया हूँ, वो भी खाना लेने, और आज भी मैं खाना लेने ही जा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप सब लोगों को भी साथ लेके चलूँ और आप सब लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ पे कैसा है, यूरोप में बाहर कैसा है, लॉकडाउन है नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं इंडिया से कि ये कैसा है, वो कैसा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कुछ वीडियोज़ ही बनाई जाए आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को दिखा सकूँ, बता सकूँ कि यहाँ पे सब कुछ कैसा है। तो ऐसे ही मैं वीडियोज़ डालूंगा, अब से हफ्ते की 2 वीडियोज़ डालूंगा कम से कम। तो आप ट्यून रहिए उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हम रेडी हो गए हैं, प्रोटेक्शन पूरी है, देखिए ग्लव्स मास्क सब कुछ। तो चलिए अब चलते हैं सामान खरीदने। पे इन्होंने ऐसे लाइन लगा रखी है, ये ऐसे जाने नहीं दे रहे। इधर एक एक मीटर पे लोग खड़े हुए हैं दूर दूर, जिस सोशल डिस्टेंसिंग करके। और फिर ये लिमिटेड लोग अंदर जाने दे रहे हैं थोड़े थोड़े करके। तो चलिए चलते हैं। हमें इस स्टोर में भी जाना था। ये यहाँ पे टेस्को स्टोर है, जैसे अपने वहाँ पे वो होता है रिलायंस एंड ऑल। तो यहाँ पे टेस्को एम लिडिल से ले आया, थोड़ा टेस्को से लेना था, पर ये बहुत लंबी लाइन है, देखिए वहाँ तक लगी हुई है, कहाँ तक। तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। आ चुके हैं। आज बाहर बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। आज खाली अपर डाल के जाने का टाइम था, बट मैं ऊपर एक स्वेटशर्ट भी पहन गया, स्वेटशर्ट नहीं सॉरी अपर पहन गया, स्वेटशर्ट पहन के जाने का टाइम था। तो ये हमने अपना सामान रख दिया है अभी यहाँ पे। अभी मैं फटाफट नहा के आता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लाया हूँ और क्या क्या कैसा मिलता है यहाँ पे। तो अभी मैं आता हूँ, देखो। तो ये भाई हम नहा के आ चुके हैं अपना, देखिए कितनी जल्दी मैं नहा लेता हूँ। अगर आप लोग बाहर जाए तो घर आके सबसे पहले नहाए ज़रूर, क्योंकि आपको पता है कोरोना चल रहा है, सफाई रखनी ज़रूरी है। हमने अपना फ़ोन भी सैनिटाइज कर लिया टिश्यू पेपर पे डिटॉल लगा के, और ये सामान हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो भाई यहाँ पे जैसे आपने देखा बाहर, यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि बाहर नहीं जाना। यहाँ की गवर्नमेंट ने कह रखा है कि मतलब अपने एरिया के 2 किलोमीटर तक आप जा सकते हो, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है या कुछ भी करना है तो अपने एरिया के 2 किलोमीटर में रनिंग करने या कुछ भी करने जा सकते हो और सामान खरीदने जा सकते हो। बाहर पुलिस खड़ी हुई थी, जो जा रहे थे वो उनसे पूछ रही थी सबसे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो।
ये है बस थोड़ा, बाकी इतना कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी आप अपने घर पे रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। यहाँ पे यार इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है इंडिया की तरह। बहुत लोग कहते हैं कि बाहर अच्छा होगा, बाहर अच्छा होगा, कुछ नहीं है यूरोप में, कुछ इतना अच्छा नहीं है इंडिया में जितना अच्छा है। इंडिया में हर कोई इतना प्रिजर्वेशन कर रहा है, अपना ख्याल रख रहा है, जो लोग बाहर जा रहे हैं पुलिस उनका ख्याल रख रही है मार मार के। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस पुलिस वाली पूछेगी आप कहाँ जा रहे हो, आप बोल दो सामान खरीदने, तो कहेगी जाओ आप। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो कितने हैं स्टेट्स जो यहाँ पे लॉकडाउन हो रखा है, और यहाँ पे कोरोना कितने पेशेंट है, कितने रिकवर हुए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, ये एक वेबसाइट है जिसपे दिखा रहा है कोरोना के केसेस 19,262 है, डेथ 1,087 हो चुकी है, और रिकवर्ड 9,233। ये पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिन पहले ये खाली रिकवर्ड 77 या 100 ऐसे ही कुछ थे। तो यार बस यही है, आप लोग अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अपने सब जितने लोग हैं साथ में उन सबका ख्याल रखिए। बाहर मत जाइए कुछ भी काम हो, बस बहुत कम खाना वाना लेने जाइए, बाकी ऐसे बाहर बिल्कुल मत जाइए। और मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को दिखाऊंगा वो जो मेरे बिल्स पड़े हैं कि मैं कितने का सामान लाया यहाँ पे, मंथली में कितने का सामान आ जाता है और क्या क्या ये कितने का है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।